कक्षा 12 के हमारे जितने भी विद्यार्थी भूगोल का पेपर देने जाएंगे, 2 मार्च के दिन आपका एमपी बोर्ड में पेपर है, उसके लिए देखिए एक ही वीडियो में आपको मैं 50 से 60 नंबर की जवाबदारी दूंगा। ये इतना एमपी पेपर है कि आप इसको एक बार सोल्व करके जरूर परीक्षा में जाने से पहले करके जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थिर जनसंख्या वृद्धि वाला देश है? न्यूजीलैंड। यहां से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है? लोहा इस्पात उद्योग। सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? जल परिवहन। भारत में सबसे पहली रेल जनगणना कब की गई? 1872 में। विराट नगर है, विराट नगर आएगा दिल्ली। इनमें से किसे मसालों का राज्य कहते हैं? तो केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। यदि हम आगे की बात करें तो यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका रहेगा। और भूगोल वेत्ता रेट जेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। विकसित देश की जीवन प्रत्याशा 80 वर्ष है, कितनी है? 80 वर्ष। स्थानांतरणशील कृषि उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में किया जाता है, स्थानांतरणशील कृषि कार्य कायम किया जाता है तो उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में। आवाधिक बाजार मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। दालें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन का स्रोत है। इसके बाद में यहाँ से आप इतना कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है जानकी की संक्रमण सिद्धांत, थॉमस माल्थस, कृषि आधारित उद्योग, रबड़ उद्योग, आर्थिक विकास, श्रम संगठन द्वारा, ठीक है, निम्न घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर का जाएगा राजस्थान। यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, है ना, एक वाक्य में उत्तर है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। UNDP का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित 2 नगरों के नाम बताइए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो। किन्हीं 2 आलोह धात्विक खनिजों के नाम बताइएगा, तांबा और हड़प्पा। किन्हीं 2 आधात्विक लोह आलोह धात्विक खनिजों के नाम बताइए, तांबा और बॉक्साइट। इतना गया, यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका रहेगा, ठीक है इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ग्रिफिथ टेलर नवनिश्चयवाद के जनक माने जाते हैं, तो ये आपका पहला सत्य हो जाएगा। चलवासी पशुचालन प्राचीन निर्वाध व्यवसाय रहा है, बिल्कुल भैया, है ना, भैंस मालोड़ चलाने के काम था और क्या था पहले, ठीक है। हाँ, जनसंख्या का आकार परिवहन की मांग को प्रभावित करता है, सत्य है। स्वतंत्रता के बाद भारत में के केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया, सत्य है। भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई थी, सत्य। और यहाँ से आपको करना है, थोड़ा सा छोटा कर देना, ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, जी हो गया। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। नव निश्चयवाद क्या है? रट दो रट दो, अभी भी मौका है मेरे भाइयों, रट दो। उत्प्रवास और आप्रवास क्या है? ठीक है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि में क्या अंतर है? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं? किन लोगों ने किन कारणों से क्या किया प्रवास करते हैं? ऋतु प्रवास से क्या आशय है? व्यापारिक पशुपालन के कोई 4 क्षेत्रों के नाम लिखिएगा। कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जाता है? भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण लिखिए। और भारत में नगरीकरण के 2 महत्वपूर्ण कारण, नगरीय जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ती है? आगे बढ़ाएं तो पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है समझाइए। नमामि गंगे स्वच्छता अभियान या कार्यक्रम के उद्देश्य लिखिएगा। प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है? विनिर्माण उद्योग की कोई 3 विशेषता है, लेकिन पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा आपको, पर आप तो कंप्लीट करो अपने, है ना भाई। भारत में जनसंख्या वृद्धि को सीमित रखने के उपाय, भारत जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिभूमि क्या है, इसके प्रकारों को बढ़ाइए, प्राकृतिक गैस के उपयोग लिखिए, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन में अंतर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधारों का वर्णन कीजिए कोई 3, भारतीय कृषि कितने प्रकार लिखिएगा। यहाँ से ये आपका अथवा वाला है,
ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ये इसका थोड़ा यहाँ पर, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है चलिएगा। तो यहाँ से आपको कंप्लीट करना है, तो ये भैया मैंने तो बता दिया है ना, अब रियल पेपर थोड़ा सामने नहीं बता सकते, इसलिए मैंने क्या किया,